हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज मी रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश तक। टुडे आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम अबाउट टू टॉक इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड हैव पेशेंस। आई विल टॉक इन हिंदी। मैं हिंदी में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। एक तरफ दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, और लाखों लोग संक्रमित हैं अभी भी इस दुनिया में। इस वक्त आप देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ में, हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी, बहुत सारे लोग इस बीमारी से बचने की सारी उपाय ढूंढ रहे हैं। घर में बंद है, लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है। पर हाँ, मैं इतना आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू माई चैनल, बट आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो मुझे बात करना चाहिए। हालांकि हर बार मैं स्टूडेंट को टारगेट करता हूं और उन्हें कुछ समझाता हूं, सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग घर पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डेट आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जान जाऊँ। बट हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहने आया हूँ कि आप घर में बंद जरूर हैं, पर आपकी जो सोच है वो बंद नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपकी स्किल है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका टैलेंट है, जो आपके इंटेलिजेंस है, वो बंद नहीं हुआ है। और जिस दिन आपका टैलेंट इंटेलिजेंस बंद हो गया, उस दिन उस इंसान का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, कोई भी हो, एनीबॉडी। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं आप मेरे बातों से, बट रियलिटी यही है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। दिस इज ओनली रियलिटी। क्योंकि जिस इंसान का इंटेलिजेंस ब्लॉक हो गया, टैलेंट ब्लॉक हो गया, तो आप किसी काम के नहीं हैं। हाँ, आपको फिजिकली कोई कैद करके रख सकता है, बट आपके जो यहाँ का स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ मस्ट नॉट बी ब्लॉक्ड। तो मैं ये कहने आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खूब खुशियाँ मना रहे हैं, सो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा। लेकिन दैट इज़ योर मिसकंसेप्शन, दैट इज़ कम्प्लीटली योर मिसकंसेप्शन कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपके एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए हैं स्थिति को देखते हुए, बट एग्ज़ाम होगा। इसलिए सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से हटा दो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। नहीं, एग्ज़ाम होगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। दूसरी बात, जो बाकी के लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई घर में आराम कर लेते हैं, ठीक है, 21 दिन का लॉकडाउन आपको अनाउंस किया गया था, बट मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि ये बढ़ सकता है और 100% बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से सभी राज्य के सरकार ने मांग किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए, अब क्या करना है आपको? कुछ नई आदत को डेवलप करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन मैं समझता हूँ जो नए आदत डेवलप करना है उससे पहले जो पुरानी कुछ आदत है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि दो बातें होती है, एक चीज़ नई आदत को डेवलप करना, हाउ टू डेवलप अ न्यू हैबिट्स, राइट। दूसरी बात कि पुरानी आदत को कैसे छोड़े, हाउ टू लेफ्ट पास्ट हैबिट, राइट, प्रीवियस हैबिट, जो भी आपके पास्ट के हैबिट है उसको छोड़ेंगे। तो हैबिट दो प्रकार की होती है, आपको भी पता है, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, ठीक है। तो जो मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ वो बैड हैबिट को छोड़ना है, गुड हैबिट को नहीं छोड़ना है, बल्कि गुड हैबिट के ऊपर और भी आप स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करें, विथ फुल ऑफ स्ट्रैटेजी, नए रणनीति के साथ उस पर और भी ज़बरदस्त प्रहार करें, ताकि वो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो। तो मैं ये कहने आया हूँ कि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखा है, आप भी देखे होंगे, कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या क्या करें। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक लोग आपको सिखाएगा कि आप लॉकडाउन की स्थिति में क्या क्या करें। वीडियो मैंने देखा है कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ जी भर के समय बिताएँ, उनसे खूब घुले मिले, खुश रहें, आप कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, योगा करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, एक्सरसाइज करें, कुछ गाना गाएं, डांस करें, खुश रहें। मैं कहता हूँ ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो आपको ऐसी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से रोज़ करना चाहिए।
लॉकडाउन की स्थिति रहे या नहीं रहे, ये सारी बातें अच्छी बातें हैं यार, और अच्छी बातें हर रोज करनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, अच्छी बातें तो हमेशा होनी चाहिए, हर प्रतिदिन आप करें ये सारी चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लॉकडाउन की स्थिति में घर में बंद है, बट आपकी क्षमता बंद नहीं है, योर कैपेबिलिटी इज नॉट अंडर द बॉक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू टेल यू? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर देयर इनसाइड योर होम, राइट? इनसाइड योर रूम, यू आर देयर इनसाइड योर रूम इन योर होम, बट योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल दैट इज नॉट इन अ बॉक्स, दैट इज नॉट कैप्चर्ड एनीवेयर। ये जो है आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है वो क्या है, उसको आपको आज जज करना है, रिव्यू करना है खुद को, कि आपको कोई क्यों कहेगा हर बार कि आप क्या क्या करें, क्या आपको नहीं पता है कि क्या करें, आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इंसान, मानता हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा लंबा समय है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, हमें नहीं पता कि कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। बट मैं ये जानता हूँ कि आपको हर बार कोई आके ये थोड़ी ना बताएगा कि आप क्या करें और क्या क्या करें। आप आज खुद ही सुनिश्चित करें कि क्या क्या नहीं करें अपने, या तो दो तरीके से इंटेलिजेंस को आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके जो भी इंटेलिजेंस है, दो तरीके से आप अपने इंटेलिजेंस को प्रूफ कर सकते हैं। एक, कि आप क्या क्या करें, अगर नहीं पता चल रहा हो आपको कि आप क्या क्या करें, तो आप ये सुनिश्चित करें कि क्या क्या ना करें, मतलब क्या क्या नहीं करें, इस पर आप विचार करें, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाएं कि क्या क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ हम सभी लोग अपने घर में, मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे गेम खेल करके समय को जहाँ बिता रहे हैं, वहीं आप देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप ये न्यूज़ पढ़िए पहले, ये न्यूज़ क्या कह रहा, इंदौर का ये आयुष पालीवाल जी हैं, इन्होंने राशन आपके द्वार एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, लॉकडाउन की स्थिति में ही लॉन्च किया है, जो राजस्थान के कई जिलों में, कई शहरों में काम कर रहा है, इट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली, ठीक है, और इंदौर में भी चालू हो गया है। तो मैं राजस्थान के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर अबाउट राजस्थान, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंदौर, बिकॉज आई एम वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस सिटी, राइट? यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 35 लाख और उससे भी ज़्यादा, 35 लाख जनसंख्या वाले शहर में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब मैं ये कहता हूँ, 35 लाख जनसंख्या को छोड़ो, 35 लाख में मात्र 5 लाख लोग प्रतिदिन इनके एप्लीकेशन के थ्रू सामान मंगवाते हैं, और एक डिलीवरी पे एक रुपया अगर बचत होता है, तो प्रतिदिन 5 लाख रुपए इनके पॉकेट में इनकम है इनका। तो ये क्या है, इनका इंटेलिजेंस है, इनका टैलेंट है। तो मैं कह रहा हूं, और ये नहीं है कि सिर्फ ये लॉन्च हो गया अब आप नहीं कुछ नया कर सकते हैं। भाई मैं आपको बताऊं, इनोवेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई भी सुनिश्चित दायरा नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड है ये। इनोवेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मैं अभी भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि घर में आप बंद रहें, परंतु आपका जो दिमाग है, आपका इंटेलिजेंस है, ये बंद ना हो पाए, और इसको जितना चाहे उतना आप यूटिलाइज करें। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। भाई मेरे, तुम कुछ भी मत करो, टाइम पास हो जाएगा। टाइम तुम कैसे पास कर सकते हो यार, कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, इंसान की औकात है कि टाइम को पास कर सकता है? इंसान कुछ नहीं करेगा फिर भी टाइम पास हो जाएगा, करोड़ों और वो साल से ये समय जो है सो आ रहा है, जा रहा है, समय चल ही रहा है ना। तो टाइम को पास करने की क्षमता और औकात इंसान के पास नहीं है, बल्कि हाँ, टाइम अगर चाहे तो आपको फेल कर सकता है, और टाइम आपको चाहे तो पास कर सकता है। तो टाइम को पास और फेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम के यूटिलाइज करें और अपनी काबिलियत को प्रूफ करें, चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो। आयुष पालीवाल के लिए भी ये स्थिति था लॉकडाउन, बट लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया,
और उसके थ्रू आप पूरे इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूँ। और आयुष पालीवाल जी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे तरफ से, और मैं दुआ करता हूँ कि आप पूरे दुनिया में आपका ये एप्लीकेशन सारे लोग यूज करें, और आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर आप इनके एप्लीकेशन को आप यूज करें, क्योंकि ये हमारे समाज के हैं, हमारे शहर के हैं, और सबसे बड़े बात कि बहुत क्रिएटिव हैं। जो टैलेंटेड होते हैं उनको ना चाहते हुए भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और ये तो खासकर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हमारे शहर से ही हैं ये। तो आप लोग इनके एप्लीकेशन का यूज करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि इस वक्त आप कोई नया गेम बना सकते हैं, कुछ नई एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से करें, उससे पीछे ना हटें। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था कि प्लीज़ लॉकडाउन में हर बार आपको ना समझाना पड़े कि क्या करना है, आप उतने एबल हैं, यू हैव इमेंस पोटेंशियल, यू हैव इमेंस टैलेंट, एंड यू कैन ब्रिंग अ मैसिव चेंजेज इन योर लाइफ। आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं अपनी लाइफ में, और उससे पीछे ना हटें। तो प्लीज़ आप मेरे बातों को समझेंगे। एंड वन मोर थिंग डैट आई वॉन्ट टू टेल यू, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस प्रेरणा को, इस इंस्पिरेशन को आप अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, और वो आज से, अभी से, इस वक्त से कुछ नया करने के बारे में सोचें और विचार करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले मैं कहूँगा आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।